माइनस टू, एम एल माइनस वन, टी माइनस टू, ये डायमेंशन आपको चेक करना है। काफी डायमेंशन आपने पढ़ी हुई है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सभी आपको हमेशा याद भी रहनी चाहिए, ड्राइव करनी तो आनी चाहिए, बट इन प्लस टू यू हैव टू रिमेम्बर दैट डायरेक्टली। ओके, टिप्स पर आपको ये थोड़ा सा याद होंगी तो आपको प्लस टू में बेनिफिट देंगी, प्लस वन ही बेस होता है। तो ये जो आपका आंसर रहेगा इसका क्या रहेगा, प्रेशर, स्ट्रेस, ठीक है, इस तरह से जो भी आपको याद आ जाए कि ये वाली डायमेंशन जो है वो प्रेशर की है, स्ट्रेस की है, तो वो आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर टू, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 12, 5 एंड 13, ए बी सी 12, 5, 13, इस तरह से वैल्यू गिवन है इनकी, यूनिट्स के साथ है रिस्पेक्टिवली, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, इज इक्वल टू सी गिवन है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताना है। देखिए वेक्टर का जो एडिशन होता है आपको पता है, मैग्नीट्यूड लेकर आप क्या करते हो उसको, मुल्ला आपको पता है ना, मैग्नीट्यूड लेकर आप उसको क्या करते हो, सोल्व करते हो। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेकर सोल्व करोगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 90 डिग्री, कितनी 90 डिग्री, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। फार्मूला पता है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। देखो बेटा क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन को बता दिया जाएगा कि ये फार्मूला, ये ट्रिक्स लगेंगी, आपको अपने आप करना है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, तो आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ पका कर नहीं देना हमने, तो इसमें आप वैल्यू पुट करिए, थीटा की वैल्यू निकालिए, रिजल्टेंट सी होगा यहाँ पर, तो सी क्योंकि बन गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस तरह से अगर आप, आपको पता है यहां पर डिस्टेंस होता है, यहां पर टाइम ले सकते हो आप, हाइट ले सकते हो, इस तरह से ऊपर प्रोजेक्शन करना है कोई भी प्रोजेक्टाइल। ये देखिए आपने यहां से प्रोजेक्शन करना है किसी चीज को, सपोज कोई स्टोन ले लिया आपने, वो 30 डिग्री से आपने क्या कर दिया, उस प्रोजेक्ट कर दिया। तो 30 डिग्री से अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बना लीजिए इस तरह से, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, h, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया 30 की बजाय 60 डिग्री से, लाइक दिस, स्पीड दोनों केसेस में सेम लेनी है, इक्वल लेनी है, वो सिर्फ 30 डिग्री की बजाय क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री से फेंकने की कोशिश करी है, 30 डिग्री से फेंक दिया गया है, तो उसका मैक्सिमम हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मींस एच डैश क्या होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहां से डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि एच डैश ग्रेटर होगा किससे, एच से, मतलब ये 60 डिग्री वाला जो केस है ये मैक्सिमम हाइट देगा, हाइट देगा किससे, 30 डिग्री वाले केस से। ओके, तो यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है मैक्सिमम हाइट के लिए, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट का होती है जब, तो क्या था फार्मूला, एच इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, यू स्केयर साइन स्केयर, क्या था आगे, थीटा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन जी,
ठीक है, तो एच डैश के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? एच डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सेम है, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे थीटा डैश लिख लीजिए, अपॉन जी। ओके, एंड यू नो वेरी वेल थीटा की जगह पर क्या रखना है, यहां पर 30 डिग्री, और यहां पर क्या रखना है 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री आप लिख दोगे यहां पर, उसके बाद आप इसकी रेशियो ले सकते हो, एच अपॉन एच डैश ले लीजिए या फिर एच डैश अपॉन एच ले लीजिए, जैसे इक्वेशन बनी हुई है आपकी, आप इसको यहां पर इस तरह से रख सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, जी से जी, यू स्क्वायर ये सब कैंसल हो जाएगा, और आप अगर इनको सॉल्व करोगे इनकी वैल्यू, तो आपके पास जो रेशियो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हाइट एच डैश ग्रेटर होगी एच से, वो भी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा एच डैश इज इक्वल टू 3H। लेकिन ये आप खुद करोगे, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, ठीक है, यू हैव टू डू योर सेल्फ ऑल दिस क्वेश्चन, और आपको ये सारे के सारे प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हाँ, जब भी हमारे को मिलना होगा, ठीक है, तो मैंने आपके नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि 4 यूनिट के अंदर जितना भी बेसिक था, जितनी भी चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, वो सब ध्यान में रख के ये पेपर डिजाइन किया गया था, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए बेटा, हर हालत में आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये 1-1 और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा तंग करते हैं, और इनको करने का तरीका भी कह लो या सोचना बहुत अच्छे तरीके से होता आपको, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी आप क्रैमिंग का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्क डन फाइंड आउट करना, अ फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज वर्क डन, एक फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर है किसके मोशन के, बॉडी के मोशन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4। कोई बॉडी है, उसका मोशन आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, मर्जी आपकी है, चलो थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं, मैंने मोशन इधर ले लिया, इस तरफ वो मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा उसका, ओके, कोई भी बॉडी है ये, उसका मोशन मैंने इस तरह से ले लिया, अदरवाइज आप ऐसे लेते हो, वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है, बट द फोर्स एक्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स कहां पर होगी, इस मोशन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप यहां बना सकते हो 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, और यहां पर बना सकते हो, ये दो ही बनेंगे, सामने बना सकते हो अपनी तरफ इस तरफ, ठीक है, वो 3D में चला जाएगा, फिर समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, एंगल नहीं बता पाऊंगा ना मैं इस तरह से आपको, ये देखो मोशन ऐसे है, ये ऐसे बना दिया मैंने फोर्स, अभी भी देखा जाए तो ये क्या बनेगा, ये देखिए ये मोशन और ये फोर्स, अभी भी ये क्या देगा, 90 डिग्री ही देगा, 3D में चला जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने इस तरह से ले लिया, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैसे निकालते हो, फॉर्मूला fs cos theta, अब f की वैल्यू नॉट गिवन, गिवन नहीं है ना ही s की वैल्यू गिवन है, सिर्फ थीटा है, थीटा कितना है 90 डिग्री, यू कैन पुट हेयर, अगर थीटा को 90 डिग्री रख दोगे तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो, जिसकी वजह से वर्क डन भी क्या आ जाएगा, जीरो, ये वैल्यू पुट कर दोगे आप इसके अंदर और आंसर ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या पूछा है इसके बारे में, क्वेश्चन है स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये रीजन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, इसका रीजन दो, वैसे तो आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया था, काफी लाइनें आप लिख सकते हो, बट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ओनली,
ये सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है, तो एक नंबर में ज्यादा कुछ आप डायग्राम वगैरह वगैरह बना के नहीं बता सकते। आपको कोई ऐसा लिखना है, इसमें कुछ ऐसी बात बतानी है कि अगर वो लाइन लिख दी जाए तो वो आपको फटाक से एक नंबर दे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ध्यान रखिए, कम टू द पॉइंट आना है एकदम से, कोई ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, एक्सप्लेन नहीं करना है, डायग्राम नहीं बनानी है। तो अगर आपको इसको थोड़ा सा भी समझना है या वो, तो आप डिमांड डाल सकते हो व्हाट्सएप में, मेरे को लिख के भेज सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि अभी तक नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, फिफ्थ यूनिट स्टार्ट नहीं किया है मैंने। अगर उससे पहले आप कोई क्वेश्चन की डिमांड डाल देते हो इसमें कि सर ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना अगला सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको वो चीज क्लियर करूं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, क्यों? क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हो किसी भी बॉडी पर, तो उसका एक फ्रिक्शन होता है जो कम्स इन टू प्ले। एक बॉडी पर फोर्स लगाया, ये किसी सरफेस पर रखी हुई थी, तो इसका जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जो कि होता है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। मींस जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते हैं, व्हेन एवर द एक्सटर्नल फोर्स इज इंक्रीज, द फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो इंक्रीजेस टू रिमेन्स इट इनटू रेस्ट, टू रिमेन्स इट इनटू रेस्ट। तो अगर आप ये लाइन लिख देते हो, तो इस लाइन की वजह से आप कह सकते हो जो स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन भी कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और इसको रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा। मतलब आपकी जो लाइन है उसमें तीन बातें होनी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स को जैसे जैसे आप चेंज करते हो, नॉट इंक्रीजेस, चेंज कह सकते हो आप, चेंज कम और ज्यादा दोनों हो सकते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम और ज्यादा मीन्स चेंज होगा, और वो अपनी पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये थे आपके 1-1 मार्क क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर, नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अब आप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, काफी बच्चों ने, इवन 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा आंसर देकर वो 5 मार्क्स लेने की कोशिश कर बैठे। आप लोगों ने भी कहीं पर ऐसी कोई छोटी सी गलती करी है टेजरर वाले क्वेश्चन में, तो वो भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द वेलोसिटी वी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। क्या स्टेटमेंट दे रखी है, वी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, दिस इज वेलोसिटी, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, टी इज टाइम हियर, यही है। Yes. तो यहां पर ए और बी की डायमेंशन बतानी है, और वी और टी की आपको यूजुअल मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए इसमें। वैसे तो देखो एग्जाम में बताया जाता है, हियर वी इज वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज कॉन्स्टेंट, एनी कॉन्स्टेंट, लेकिन आपको यूजुअल मीनिंग भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह पर आपको ये मीनिंग ना भी दे रखे हो तो भी आप इनको फॉलो कर सके। ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि वेलोसिटी के लिए वी और टाइम के लिए टी का ही यूज किया जाए। तो यहां पर बात आ जाती है ए और बी की डायमेंशन कैसे निकालोगे, वी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर आप रख सकते हो, और वी इज इक्वल टू बी टी आप रख सकते हो, क्यों, बिकॉज डायमेंशन, देखो ये फार्मूला करेक्ट माना गया है तभी तो दिया गया है, ये रिलेशन करेक्ट है, अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होती है,
राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में ये क्या दे रखा है, प्लस। तो प्लस का मतलब क्या है, जो डायमेंशन इसकी होगी वही इसकी होगी, और दोनों की जो डायमेंशन होगी वही इसकी होगी। नहीं समझे, अगेन v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ये दे रखा है। इसमें ध्यान से देखो, जो डायमेंशन वेलोसिटी की होगी वो सारी डायमेंशन इसकी होगी, मतलब इसकी भी एल टी माइनस वन होगी। समझना इस चीज को, अगर किसी को नहीं आती है तो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो बैक नहीं लगाया जाएगा यहां पर, प्लस वन प्लस टू में जितना आगे जाओगे बैक नहीं पढ़ाया जाता, बैकअप लेने का टाइम नहीं मिलता इनमें। दूसरी बात क्यों, क्योंकि रिलेशन में ये बताया जाता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होती है, राइट हैंड साइड। ओके, तो जो डायमेंशन इसकी थी लेफ्ट हैंड साइड की वही राइट हैंड साइड की हो गई, बट इन राइट हैंड साइड देयर आर टू क्वांटिटीज, वन ऑफ दिस वन ऑफ दिस। तो देखा जाए तो इन क्वांटिटी को भी वेलोसिटी ही बोलेंगे, क्योंकि डायमेंशंस में वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी। स्पीड में अगर स्पीड को ऐड करा जाए तो क्या होगा, स्पीड। एक्सेलरेशन में अगर एक्सेलरेशन को ऐड करा जाए तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। नॉट टू वी, टू वी मत लगा देना। दूसरी बात, वी माइनस वी करेंगे तब भी वी ही आएगा, क्या मतलब है इन चीजों का, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट। मतलब दो डायमेंशन एम एल टी माइनस वन सपोज दे रखा है, इसको प्लस करिए या माइनस करिए इसी से तो भी आंसर क्या आना है, सेम, लेकिन वन टाइम आप लिखेंगे इसको डायमेंशन। तो इसी लॉजिक को लेकर अगर इसकी डायमेंशन जो है वही इसकी होगी तो इनकी अलग अलग भी, अगर यहां पे माइनस भी होता तब भी आप इसको इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते थे। नाउ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन टी स्क्वायर, वेलोसिटी और टाइम की डायमेंशन को पुट करिए, और इसी तरह से b की कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम करके। तो a की डायमेंशन क्या आ जाएगी, a की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस थ्री, अपने आप सॉल्व करना अभी है आपको, और b की क्या आ जाएगी एल टी माइनस टू, सॉल्व करना अपने आप इसको, ठीक है। हाँ, मेरे को ये सारे के सारे प्रैक्टिस नोटबुक में चाहिए बेटा, ध्यान रखना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन फोर्सेस। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, दो फोर्सेस दे रखी है, सपोज एफ एंड एफ, दो फोर्सेस ले ली इक्वल है वो, और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी एफ, यानी कि रिजल्टेंट भी एफ है, यानी कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या क्या बन है, वेक्टर ए एफ, वेक्टर बी एफ और वेक्टर आर भी क्या दे दिया है, एफ। तो इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। भाई कौन सा ऐसा एंगल होगा जब दो फोर्सेस इक्वल हो, किस एंगल पर एक्ट करे वो कि वो दो फोर्सेस इक्वल हो और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उनमें उनके जैसे ही आए, वो भी उनके जैसे ही आए। सपोज मैंने एक बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन, 10 न्यूटन लगा दिया किसी और डायरेक्शन, तो उनके बीच का वो एंगल बताओ कि उनका जो रिजल्टेंट है बीच में वो भी कितना आए, 10 न्यूटन। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। तो क्या करेंगे आप इसमें, यू नो वेरी वेल रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा अंडर द रूट। यू हैव टू पुट, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंड इन दिस फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहां पर ये अंडर रूट को अभी समझदारी दिखाइए, यहां पर ही ले आइए,
आर की जगह पर एफ, ए की जगह पर एफ, बी की जगह पर एफ प्लस टू एफ एफ कोस थीटा। अब आप इसको सॉल्व करिए एंड इन द लास्ट यू विल गेट द आंसर मींस द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर इज 120 डिग्री। मींस अगर आप 120 डिग्री पर दो फोर्सेस जो कि इक्वल होंगी नेचर में वो अप्लाई करते हो तो आपका जो रिजल्टेंट है वो भी उनके जैसा ही होगा। मींस 10 न्यूटन को 120 पे करेंगे तो आंसर 10 न्यूटन आएगा। अगर ये 5 न्यूटन हुआ, ये भी 5 न्यूटन हुआ तो क्या होगा, तब रिजल्टेंट 5 न्यूटन आ जाएगा। ओके ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपने इसको नोट कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, अ बॉडी रोल्ड ऑन आइस विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। बर्फ के ऊपर कोई बॉडी रोल कर रही है और वेलोसिटी गिवन है 8 पर सेकंड। कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर के बाद वो रेस्ट में आ जाती है, 4 मीटर के बाद चलने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है। ये आइस सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी है जो रोल कर रही है, डिस्टेंस कितना गिवन है 4 मीटर। तो सबसे पहले आप इस क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यू हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू की वैल्यू निकालनी है आपको इसमें। ठीक है, कैसे निकालोगे म्यू? म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। ठीक है, फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू म्यू आर। फ्रिक्शन के लिए यही फॉर्मूला था ना आपका, तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। एफ की वैल्यू क्या लगाओ, एफ की वैल्यू क्या लगाओगे, एम ए। आर क्या होगा, ये देख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वो इसके वेट के इक्वल होगा विच इज इक्वल टू एम जी। और एम अगर मास है इसका इधर चल तो फोर्स देता एन, तो एम ए अपॉन एम जी ये फार्मूला होगा। एम से एम कैंसल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जी का तो आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू और लगा दो, यूनिट से यूनिट कैंसल हो जाएगी और म्यू आ जाएगा। बट दिस ए कैन बी कैलकुलेटेड बाय, किससे, किससे निकलेगा ये, इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अगर आप यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी माइनस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आएगी, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना, स्पीड कम हो रही है, कम होकर रुक रही है, वो स्टॉप हो रही है बॉडी, तो रिटार्डेशन क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, सॉरी नॉट रिटार्डेशन, माइनस में होगा। तो अब आप इसकी वैल्यू को यहां पर रखेंगे और मैग्नीट्यूड ले लो,
क्योंकि म्यू की वैल्यू पॉजिटिव में ही होगी, नेगेटिव में नहीं होती। कैंसल और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.816। और कोई यूनिट नहीं होगी इसकी क्योंकि म्यू यूनिट लेस, डायमेंशन लेस होती। तो दिस इज योर आंसर। इसमें भी काफी गलती हो गई थी बच्चों से, तभी मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन तो सभी बच्चों ने ठीक लिखी है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू पुट करके सोल्व नहीं कर पाए, तो सोल्व करने में दिक्कत आ गई है, यानी कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ गई है तुम्हारे। अगर आप इक्वेशन फार्मूला लिख लेते हो, उसके अंदर की वैल्यूज आपको पता है, वैल्यू पुट भी अगर आप कर देते हो, उसके बाद सोल्व करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ साइंस, दिस प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, योर कैलकुलेशन प्रॉब्लम इज दिस। तो कैलकुलेशन जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे लिए दोबारा से चैलेंजिंग बन के आ रहा है। मैं आपको इक्वेशन लिख के देता हूं और आपको वैल्यूज पुट करनी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? A body of mass 10 kg is placed on an inclined surface of angle 30 degree. If the coefficient of limiting friction is, एक 10 kg की बॉडी है जो inclined at an angle 30 degree. 30 degree angle है बॉडी का, free body diagram बनाइए। 10 kg बॉडी है, 10 kg mass is given. A body of mass 10 kg is placed on an inclined surface of angle 30 degree if the coefficient of limiting friction is equal to 1 upon root 3. Find the force required just to push the body up the inclined plane. Force is being exerted parallel to. Parallel force lagani hai is inclined plane ke, is tarah se force lagani hai. ये कैलकुलेट करनी है, ये निकालनी है आपको क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर। यू नो वेरी वेल रिएक्शन इधर होगा, वेट इधर होगा। नॉर्मल रिएक्शन के यहां पर अगर ये mg होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा mg cos थीटा, यहां पर क्या होगा mg sin थीटा। बताइए देना ये, अगर आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी कहां होगा, इसके अपोजिट में होगा, फोर्स आगे होगी। फोर्स का फार्मूला एम ए, ये दो फोर्सेस आपके पीछे लगेगी इस बॉडी पर, एक तो फ्रिक्शनल और एक एम जी साइन थीटा। ओके, तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 केजी मास इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड यू पुश इट parallel to this inclined plane in the upward direction. अगर आप इसको upward direction में push करेंगे तो आपको कितनी force लगानी है, this one, this force you have to calculate. Now what is the equation? ये force आगे की तरफ, ये दो force पीछे की तरफ, दोनों equal and opposite and cancel to each other. And you have the relation now, mg sin theta plus frictional force F. एंड इन इन दिस यू कैन सी आर की वैल्यू क्या होगी, एम जी कोस थीटा। देख रहे हो इसके अपोजिट में कौन है, हाँ ये डायग्राम में देखनी आनी चाहिए बेटा आपको वैल्यूज। आप अपोजिट वाली ले सकते हो, एम जी कोस थीटा की जगह पर आर, आर की जगह पर इनकी जगह पर इनका सम इसके इक्वल, क्योंकि फोर्स आगे लग रही है ना, ये फोर्स आपने इस बॉडी को यहां पर लिफ्ट फॉरवर्ड अपवर्ड क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ। एफ की वैल्यू क्या होगी, अभी अभी लिखा था फ्रिक्शनल फोर्स के लिए फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में, म्यू आर, म्यू आर। आर की वैल्यू अभी अभी बता गई, आर के अपोजिट में कौन है, एम जी कोस थीटा। पुट हियर म्यू इज एम जी cos theta, this one is mg sin theta, this one equal to f. okay, iske baad ka kaam kaun karega, aap karoge
कौन कौन सी वैल्यू चाहिए आपको इसमें? m, m कितना गिवन है? 10 kg, mu आपको पता है, m आपको पता है, एंड थीटा, थीटा आपके सामने ही है, थीटा इज इक्वल टू 30 degree. नाउ यू हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस रिलेशन एंड यू कैन गेट द आंसर ऑफ फोर्स विच इज 98 newton. ठीक है, 98 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? कर सकते हो, ये तो आपको लिखवाए थे पॉइंट्स, डेफिनेशन, एग्जांपल. काफी बच्चों ने करा भी है इसको, कोई ऐसा नहीं है जिसने गलत किया हो. ठीक है, स्टेट एंड प्रूव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी करवाया था काफी बच्चों ने. बस वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी लिख दिया है. प्रूफ करना था बेटा, प्रूफ के लिए ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल वाली पैरेललोग्राम बना सकते थे, तब करना था ये प्रूफ. और प्रूफ में आपको रिजल्टेंट निकालना था. ये फार्मूला आपको ड्राइव करना है क्योंकि प्रूफ की बात आ गई है. प्रूफ वैसे करा जाएगा वो, ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिखना है. फिर भी मैंने मार्क्स दे दिया बिकॉज दो नंबर का क्वेश्चन था, स्टेट और आपने ये फार्मूला लिख दिया था, तो जो भी फार्मूला लिखा था ठीक था वो, तो मार्क्स तो दिए मैंने. क्योंकि मार्क्स अगर ये थ्री में होता तो आपके मार्क्स कट जाते. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, 9th क्लास का टॉपिक है ये, तो होता ही है जब ये प्लस वन प्लस टू में आ जाते हो आप, तो 9th-10th से भी थोड़ा सा वो डाल देते हैं इजी, ताकि आप पिछला ना भूल जाए कुछ भी. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला ड्राइव करना आपको. एंड ऑल्सो फाइंड हाउ काइनेटिक एनर्जी विल अफेक्ट इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल. अगर डबल करते हो तो 4 times काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. ये क्वेश्चन था आपके पास, 9th क्लास में भी था. और 3 times अगर वेलोसिटी को बढ़ा दे तो 9 times द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. ओके, तो आपको ये फार्मूले के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए हाफ एमवी स्क्वायर, ये आपको ड्राइव कर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में काफी बच्चे गलत किया है. पार्ट 2 में रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स से आ जाता है, रोकने वाली फोर्स से आ जाता है. तो इसका आंसर माइनस में देना था आपको, प्लस में दिया है इसका आंसर. काफी बच्चों ने 400 लगाया है, वो गलत किया उन्होंने. आपको क्या करना था, माइनस 400 आंसर आना चाहिए था आपका इसमें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव नेगेटिव. ये भी 9th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये करना क्यों आना चाहिए, बिकॉज प्लस टू में फर्स्ट में वर्क डन को लेकर काफी